हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ई अध्ययनशाला पर। आज अपन पहले इससे पहले वाले लेक्चर्स में अपनों ने कथन से पूर्व धारणा जो थी वो पढ़ ली थी। अब कथन से निष्कर्ष के बारे में चलेंगे, कंक्लूजन से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं उन पर अपन चर्चा करते हैं। कितने कितने टाइप के लगभग दो तीन तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन आते रहते हैं, वेरिएशन होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम इस टाइप से। तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि क्वेश्चन आए तो उसको सोल्व कैसे करना है, कैसे उसका फिगर कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। ठीक, मैंने बोला कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, इस टाइप से कोई सेंटेंस आया तो आप कैसे फिगर बनाओगे। मैंने एक ये बना दिया, ये कुत्ते और कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो ये मैंने बिल्लियों का फिगर बना दिया। ठीक, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये कुछ वाला पोर्शन दोनों में कॉमन हो गया। अगर इस टाइप का स्टेटमेंट रहे तो आप इस प्रकार का फिगर बनाएंगे। ठीक, सेकंड मैंने बुलाया सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। आप एक एक चीजों को नोट करते हो जाए तो आपको ठीक रहेगा। मैंने बोला सभी, पहले बोला कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं तो हिसाब सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो फिर मैंने ये फिगर बनाया कुत्ते का, और सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं, तो ये मैंने सभी कुत्ते बिल्लियां में बना दिया। अगर इस टाइप का है तो आप इस टाइप से फिगर बनाओगे। ठीक, तीसरी चीज मैंने बोली कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। ठीक, यानी कुत्ते और बिल्ली में कोई कनेक्शन है ही नहीं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप दोनों को अलग अलग बना दो। ये मैंने यहां पर बना दिया इसका सर्कल, और ये मैंने बिल्ली का सर्कल बना दिया, क्योंकि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, दो का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये बेसिक कुछ चीजें बता रहा हूं, उनको आप नोट करते चले टॉपिक से पहले टॉपिक के बारे में, ताकि आपके आंसर जो है क्वेश्चन जो है वो सही बने। ठीक, तो ये समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपको। तीन चीजें और अभी लिखवा रहा हूं, नोट कर लिए, आगे चलते। एक और टाइप से कभी कभी आ जाता है, जैसे मैंने बोला था कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, लेकिन इस टाइप से अगर आ जाए कि केवल नहीं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, और आगे आ जाए सभी गधे बिल्लियां हैं, बात को समझना। सेंटेंस थोड़ा सा कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो आपने कुछ कुत्ते तो ऐसे बना दिया होगा, और कुछ कुत्ते में बिल्लियां भी ऐसे बना दिया, ये बिल्लियां हैं और बिल्लियों में कुछ पोर्शन जो यहां पर कॉमन है, तो कुछ कुत्ते बिल्लियां, लेकिन यहां पर बोला सभी गधे बिल्लियां हैं, ये सभी गधे भी बिल्लियों के अंदर है, तो सभी गधों को आप इनके अंदर बना दो। समझ में आ रहा ना कैसे बनाना है। ठीक, पहले देखो वो इससे पहले वाला बनाया था ना कि सभी बिल्लियां कुत्ते, तो सभी बिल्लियां कुत्ते तो सभी बिल्लियां कुत्तों के अंदर चले गए, तो लेकिन बोला कि सभी गधे बिल्लियां हैं, तो गधे ये इस प्रकार से बनेगा इसको अगर बनाओगे तो। समझ में आ रही बात। आज अपन सिर्फ सिंपल करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन, कल अपन देखेंगे किस टाइप की चीजें ज्यादा गलत होती हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो ये बेसिक चीजें समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। ठीक, चलो और आगे समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस के आगे दे देते हैं कम से कम कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, या कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, इस प्रकार से आपको दिया कम से कम। तो ये कम से कम कुछ कुत्ते बिल्लियां, इस प्रकार का सेंटेंस अगर आपको दिया गया है, इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया और कुछ नहीं। आप इस कम से कम को हटा दे, यहां से आगे सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट कर दे, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो ये आपका पुराना वाला सेंटेंस बन जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगी, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है और कुछ नहीं है, इस प्रकार का अगर स्टेटमेंट रहे तो। एक और चीज, कोई भी रीस्टेटमेंट अगर दिया, मतलब जो स्टेटमेंट है वही अगर निष्कर्ष में, तो रीस्टेटमेंट फॉलो नहीं होगा, अगर ऐसा मिले तो उसे गलत माना जाएगा,
वो निष्कर्ष नहीं निकल सकता। निष्कर्ष का मैंने आपको मतलब बताया था ना, निष्कर्ष उससे निकल कर आता है, सेम स्टेटमेंट का रिपीटेशन निष्कर्ष नहीं होगा ना, निष्कर्ष तो उससे निकाला जाएगा। तो अगर रिपीट हो पुनः या कथन की पुनरावृत्ति अगर होती है निष्कर्ष में तो वो गलत मानी जाएगी, ठीक है। कथन की पुनरावृत्ति अगर होती है निष्कर्ष में तो वो गलत मानी जाएगी, ठीक। तो मेरे ख्याल से बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आज अपन सिर्फ सिंपल सिंपल चीजें समझ रहे हैं, इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि या तो एक या दो निष्कर्ष निकलता है या न तो एक न ही दो, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाले चीजें हैं, इनको कैसे सही करना है इनके बारे में अपन आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज अपन बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ में आप लोग भी ट्राई करना कैसे बनाते हैं कैसे क्या बनते हैं उनको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसमें स्टेटमेंट दिए, चार स्टेटमेंट दिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसमें चार स्टेटमेंट दिए हैं और दो कंक्लूजन दिए, आपको ये बताना है कि कौन सा कंक्लूजन इन स्टेटमेंट से निकल सकता है और निकल रहा है तो सही है या गलत है, ठीक है। निष्कर्ष एक फॉलो करता है या निष्कर्ष दो फॉलो करता है, आपको इस प्रकार से निकालना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा मेरे ख्याल से, इसको मैं सोल्व करके बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। पहला बोला है कुछ घर गांव है, मैंने आपको समझाया था, आप वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लो, एक बार चेक भी कर लो, ठीक। ये मैंने घर बना दिया और इसके बारे में बोला है कुछ घर क्या है, गांव है, ये मैंने गांव बना दिया, देखो ये कुछ घर गांव है, ठीक, कुछ घर गांव है। सेकेंड स्टेटमेंट है सभी गांव शहर है, अच्छा सभी गांव यानी गांव सारे के सारे क्या है, शहर है, ठीक है। तो मैंने सभी गांव को क्या बना दिया, ये मैंने शहर बना दिया, सभी गांव को मैंने क्या बना दिया, शहर बना दिया, यानी गांव जो है वो शहर के अंदर चले गए, ठीक। अगली बात बोली सभी शहर जिले हैं, अच्छा सारी शहर को क्या बोला उन्होंने, जिला बोल दिया, ठीक है भाई, तो मैंने सभी शहर को क्या बोल दिया, जिले हैं, ठीक है भाई, सभी शहर जिले हैं, ये बात भी बोल दी अपनों ने। अगली बात बोली सभी जिले तालाब है, ठीक है, सभी जिलों को भी तालाब बनाया, तो ठीक है अपन सभी जिलों को क्या बना दे, ये सभी जिलों को मैंने बना दिया तालाब, सभी जिलों को मैंने तालाब बना दिया, जैसा बोला गया वैसा बनाते गए अपन, ठीक। अब ये अपना एक रफ फिगर बन गया, सिंपल, मैंने बोला ना सिंपल पे ट्राई करें, संभावना पे अभी नहीं चलेंगे अपन, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। सिंपल सा एक मैंने डायग्राम बनाया, इस टाइप के क्वेश्चन का एकमात्र सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप डायग्राम बना लें। आप सोच रहे हो कि सीधे एक निष्कर्ष निकाल लूंगा तो थोड़ा दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, इसको आप ऐसे बनाएंगे। अब आप देखो निष्कर्ष पहला है कुछ तालाब घर है, कुछ तालाब, अब मैं तालाब को देखूं तो यहां तालाब आ रहा है, कुछ तालाब का हिस्सा घर में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, कुछ तालाब घर है, बिल्कुल जा रहा है, यानी पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है, सॉरी पहला वाला जो कंक्लूजन है वो सही है। अब सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं अपन, सेकंड क्या है, कुछ जिले गांव है, अच्छा ये जिले थे पूरे, इस जिले में देखो ये जिला बड़ा सा सर्कल है, इसमें छोटा सर्कल है गांव का है, तो देखो जिले का कुछ हिस्सा गांव है ना, तो देखो ये जिले, इसमें एक सर्कल गांव है, तो कुछ ये कुछ जिले के अंदर आ रहा ना ये गांव, तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो रहा कि नहीं हो रहा, सही हो रहा ना, तो दूसरा भी सही है, यानी यहां पर दोनों निष्कर्ष इससे निकाले जा सकते हैं, ठीक है, यानी कुछ जिले का कुछ हिस्सा क्या है, गांव है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा क्या बताना चाह रहा हूं, तो इस क्वेश्चन में अपने दोनों कंक्लूजन यहां से निकाले जा सकते हैं इन स्टेटमेंट से, ठीक। चलिए अपन नेक्स्ट ट्राई करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कुछ तंबू बिल्डिंग है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में जैसा बोला गया वैसा बनाते जाओ, ऑटोमेटिक बन जाएगा। बोला है कुछ तंबू बिल्डिंग है, ठीक, ये तंबू और तंबू का कुछ पोर्शन क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है भाई, ये मैंने बिल्डिंग बना दी, कुछ पोर्शन है, ठीक है, ये बना दिया। फिर बोला कुछ बिल्डिंग दीप है, कुछ बिल्डिंग क्या है, दीप है, तो बिल्डिंग का कुछ हिस्सा क्या है, दीप है, ये मैंने दीप बना दिया, कुछ पोर्शन, जिसके बारे में जैसा जैसा बनाना मैंने बताया वैसे आप बनाते जाओ, ठीक।
कुछ दीप मोमबत्तियां हैं, दीप का कुछ हिस्सा क्या है मोमबत्तियां हैं, ठीक है, ये हिस्सा मैंने क्या बना दिया मोमबत्तियां बना दिया, ठीक। अच्छा फिर कुछ मोमबत्तियां विग हैं, तो ये कुछ मोमबत्तियां और ये मैंने क्या बना दिया विग, कुछ मोमबत्तियां विग, जैसा जैसा बोला वैसा बनाते गए। ये एक आदर्श डायग्राम होता है और जो आदर्श डायग्राम है उसको अपन मानते हुए चलेंगे, ठीक। और पहला कंक्लूजन देखते हैं, कुछ विग बिल्डिंग है, देखो विग और बिल्डिंग कोई कनेक्शन है क्या दूर दूर तक दोनों में, नहीं है ना, तो क्या हो सकता है ये, नहीं। देखो आप ये आदर्श डायग्राम में जो बन रहा है ना वही मानेंगे, जो सत्य है वो सब जगह सत्य होगा। आप ऐसा नहीं कि एक और डायग्राम बना दिया उसमें अगर ऐसा बनाएंगे तो कुछ वीक आप ये भी बना सकते हो उसमें कि हाँ भाई कुछ वीक जो है वो इसमें भी टच करवा, इस वीक को अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो टच हो सकती है ये, लेकिन एक डायग्राम में जो सही है और एक में जो सही नहीं है, एक में सही है और एक में अगर सही नहीं है तो उसको अपन क्या मानेंगे गलत मानते हैं, ठीक। अच्छा वो सही होने की क्या कंडीशन उस पर अपन और आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप कोई अलग संभावना वाला डायग्राम बना दे कि हाँ सर ऐसा भी हो सकता है कि ये तो इसमें टच भी हो सकते हैं, अगर आप टच करके बताओगे ऐसे इसको तो आप देखोगे हाँ ऐसे तो चला जाएगा, लेकिन एक डायग्राम में बन रहा है एक में नहीं बन रहा है, लेकिन जो सही होगा वो सार्वभौमिक होगा वो हर जगह सही होगा, तो जो सही होगा वो हर डायग्राम में सही होना चाहिए फिर। तो ऐसे अगर एक जगह सही और एक जगह गलत हो रहा है तो अपन उसको क्या मानेंगे कि हाँ भाई ये नहीं हो रहा है, ठीक। हाँ संभावना, अगर संभावना वाले क्वेश्चन कैसे आते उस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे, ठीक। फिर बोला है कुछ मोमबत्तियां तंबू हैं, मोमबत्तियां और तंबू में कोई कनेक्शन दिख रहा है, तो पहले वाला जैसा था सेम वैसा का वैसा ये भी है तो उसका भी कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, यानी पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, तो आपका आंसर आएगा न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी, सिंपल सी बात है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, और तीसरा क्वेश्चन है, आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा कि चीजें कैसे बन रही है, एक क्वेश्चन में थोड़ा कम आएगा दूसरे में थोड़ा और ज्यादा आएगा, तीसरे चौथे क्वेश्चन तक चीजें और ज्यादा इजी होती जाएगी, है ना। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है उसे आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसमें लिखा है सभी घड़ियां ब्लेड है, क्या लिखा है सभी घड़ियां जो है क्या है ब्लेड है, तीसरा क्वेश्चन। अब इस डायग्राम में बनाता हूं, आपने भी डायग्राम वीडियो को पॉज करके डायग्राम बनाने की कोशिश करना और देखना कि डायग्राम सही बना है कि गलत बना है, ठीक। सभी घड़ियां ब्लेड हैं, अच्छा ये सभी घड़ियां, ठीक, मैंने घड़ियां बना दी और सभी घड़ियां किस में बनाने को बोला उन्होंने, ठीक, सभी घड़ियां जो है ब्लेड है, ये मैंने ब्लेड बना दी, ठीक। फिर बोला कुछ ब्लेड चाकू है, तो कुछ ब्लेड के बारे में बोला, कुछ ब्लेड क्या है चाकू है, ठीक। सभी चाकू औजार हैं, तो सभी चाकू के बारे में फिर क्या बोला, औजार है भाई, ठीक, ये औजार है। देखो एक एक चीज को उन्होंने बोला, सभी घड़ियां ब्लेड हैं, तो सभी घड़ियां क्या है ब्लेड है, ठीक। कुछ ब्लेड चाकू हैं, तो कुछ ब्लेड क्या है चाकू है, ठीक। और सभी चाकू औजार हैं, सभी चाकू क्या है औजार है, ठीक है। और सभी औजार कागज है, सभी औजार क्या है कागज है, ठीक। अच्छा तीसरा क्वेश्चन, तो आप लोगों को तीसरे में निष्कर्ष दिख रहे होंगे, कुछ औजार ब्लेड हैं, कुछ औजार ब्लेड हैं, देखो ये औजार का ये बड़ा सा सर्कल दिख रहा है और इसका थोड़ा सा सर्कल किस में जा रहा है ब्लेड में, तो पहला वाला क्या दिख रहा है सही दिख रहा है ना आपको, कुछ औजार ब्लेड है, तो पहला वाला कंक्लूजन क्या हो गया सही हो गया। दूसरा वाला कंक्लूजन देखते हैं, कुछ कागज घड़ियां हैं, कुछ कागज घड़ियां, देखो कागज यहां पर है, कागज का यहीं तक पोर्शन जा रहा है और घड़ियां यहां पर है, तो कुछ कागज घड़ियां क्या एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है क्या, नहीं निकाला जा सकता है ना, तो ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते अपन, ठीक। अब कोई अदर डायग्राम बना के आप इसको टच करके बता दो कि ये कुछ हो सकता है, तो मैंने आपको पहले बताया जो सही होगा वो हर डायग्राम में सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक। तो इसमें एक सही है दूसरी गलत है, यानी यहां से निष्कर्ष एक निकाला जा सकता है सिंपल तरीके से, बात समझ में आएगी मेरे ख्याल से, ठीक। चलो फिर अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वो थोड़ा और कुछ नई चीज उसमें आपको मिलेगी शायद, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप आराम से इसको बनाने की कोशिश करें और ये डायग्राम का जो तरीका है इसको सीखने की कोशिश करें, जो नए हैं वो इनको सीखने की कोशिश करें और जिनको पहले से आता है वो प्रैक्टिस करें या फिर जो उनमें कमी है उनको सुधारने की कोशिश करें। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने होगा, उसमें बोला है सभी पेंसिल कागज हैं, देखो मैंने बना दिया ये पेंसिल,
ये पेंसिल मैंने बना दिया, और सभी पेंसिल क्या बनाने का बोला उन्होंने, कागज है, ठीक है भाई ये बना दिया कागज, सभी पेंसिल कागज है, ठीक, सभी पेन कागज। अब ये बात मैंने एक बात बताई थी ना आपको थोड़ी देर पहले, जब स्टार बना की चीजें बताई थी तो वहां पर बोला मैंने कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं और सभी गधे भी बिल्लियां, तो गधे को भी उसके अंदर बनाया था। तो यहां पर ये बात देखो, मैंने क्या बोला, सभी पेंसिल कागज है, तो सभी पेंसिल को मैंने क्या बना दिया कागज, और सभी पेन भी कागज है, तो पेन कहां जाएगा, पेन को यहां अंदर आप बना दो, एक काम करो, सभी पेन भी क्या है कागज। ये थोड़ा सा नया देखना, अगर जो सिक्वेंस होती ना वैसे होता कि सभी कागज पेन है, सभी पेन कागज है, सभी कागज पेन है, तो मैं पेन को ऐसे बना देता, लेकिन सभी पेन कागज है, तो पेन अगर कागज है तो पेन कहां चले जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे पेन कागज है, सभी कागज पेन नहीं है। ये ध्यान रखना, ये थोड़ी सी गलत हो जाते बहुत सारी बार। फिर बोला है सभी कागज इरेजर है। अब ये वो सेंटेंस है, आप तीसरे सेंटेंस को देखो ना, ये वाला सेंटेंस, सभी कागज को इरेजर बोला है, सभी कागज को इरेजर बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी कागज इरेजर हो गए, ठीक। फिर बोला सभी इरेजर सुई है, सभी इरेजर सुई है, ये सभी इरेजर क्या है, सुई है, ये बना दिया सुई, ठीक। यहां पर बस ये वाले सेंटेंस में थोड़ा सा स्टेटमेंट में थोड़ा सा समझना था। अब इसके निष्कर्ष है, सभी इरेजर पेंसिल है, ठीक, सभी इरेजर पेंसिल है, बिल्कुल नहीं है, ये बात तो सेट ही नहीं हो रही ना कहीं से कहीं तक। सभी इरेजर पेंसिल है, पहला वाला देखें अपन, देखो इरेजर तो इतना बड़ा सर्कल है, इसका तो कुछ हिस्सा ही पेंसिल है ना, सभी थोड़ी ना है। पहला ये बोला है कि सभी इरेजर पेंसिल है, तो सभी तो नहीं है, तो पहला वाला तो सेट ही नहीं हो रहा है, पहला वाला निष्कर्ष तो निकल ही नहीं सकता। दूसरा निष्कर्ष देखें, दूसरा बोला है सभी पेन सुई है, देखो सभी पेन सुई है, मतलब ये वाला ऐसा सर्कल है, इसमें यहां पर पेन है और ये पूरा सुई, पूरा अगर सुई है, इस प्रकार से बन रहा है ना, देखो ये पेन बीच में और बड़ा वाला सर्कल सुई है, तो सभी पेन सुई है, तो बिल्कुल सभी पेन सुई के अंदर ही है, तो सेकेंड वाला अपने सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष कौन सा फॉलो करता है, निष्कर्ष दो निकलता है, बात समझ में आ गई होगी। चार क्वेश्चन आपने सोल्व किए तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अपन कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चार क्वेश्चन से आप सिर्फ ये डायग्राम बनाना सीख जाओ एक बार, अगर डायग्राम आपको बनाना आ गया तो आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन कुछ नए इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ, नए डायग्राम और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।